हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन। वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का कोफ्ता। लौकी का कोफ्ता हम चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम लौकी। इसे मैंने छील के धो के कद्दूकस कर लिया है। और मैंने दो प्याज लिए हैं, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। तीन मीडियम साइज के टमाटर, इसे भी मैंने रफली चॉप किया है। 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक, ये मैंने पकोड़े में डालने के लिए 3 हरी मिर्च बारीक काट ली है और 2 हरी मिर्च मैंने लंबी काट ली है। 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। धनिया मैंने बारीक काट लिया है गार्निश के लिए। तेल कोफ्ते को तलने के लिए। 100 ग्राम बेसन। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे। लौकी में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें हम बेसन डालेंगे, बेसन ज़्यादा नहीं डालेंगे, लौकी का स्वाद आना चाहिए। अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, पानी डालने से मिक्सचर खराब हो जाता है और पकौड़े अच्छे से नहीं तलते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, अब ये पकोड़े तलने के लिए तैयार है, तो चलिए हम पकोड़े तलते हैं। अब हम सबसे पहले पैन गरम कर लेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे, तेल को भी हम अच्छे से गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे। हम एक एक करके सारे पकौड़े डाल लेंगे। मैंने पकौड़ों को हाथ से बनाया है, आप चाहे तो स्पून से भी बना सकते हैं। इसे बहुत ही सावधानी से डालें ताकि आपका हाथ ना जले। मैंने सारे पकौड़ों को एक ही बार में डाला है। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसे 2 बार में भी तल सकते हैं। अब हम सारे पकौड़ों को एक एक करके पलट लेंगे ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से पके। पकौड़ों को मैं लो फ्लेम पे ही तलूंगी ताकि वो जले नहीं और अच्छे से पक जाए। पकौड़ों को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। पकौड़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पकौड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। पकौड़ों को तलने में मुझे 10 से 15 मिनट लगे। अब ये पकौड़े हमारे सारे तैयार हैं, अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। अब हम सबसे पहले पैन गरम कर लेंगे। मैंने वही पैन इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने पकौड़े तले थे, आप चाहे तो दूसरा पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैं तेल डालूंगी। अब इसमें हम अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। इसे हम कुछ सेकेंड्स में रोस्ट कर लेंगे। इसमें हम प्याज डालेंगे,
प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज को हम एक बार फिर चलाएंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम 8 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। प्याज टमाटर हमारा तैयार है। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम इसे पीस लेंगे। अब हमारा प्याज टमाटर ठंडा हो चुका है। अब इसे हम पीसेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार है। पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे। जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार किया था उसे मैंने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे जिसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने इसे पहले ही पका लिया था। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ 1 कप पानी डाला है। पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी हमारी थिक है तो इसमें हम 1 कप पानी और डालेंगे। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पकौड़े में भी नमक हमने डाला है। जिसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पकौड़े डालेंगे। मैंने 1-1 करके सारे पकौड़े डाल लिए हैं। जिसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 1 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। लौकी का कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता को भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। लौकी का कोफ्ता हम रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।